हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश। मैं आप सबका स्टडी शॉप 360 में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम हुआ था अभी 8 और 9 तारीख को, उसके जो मेमोरी बेस्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और साथ में जो अप्रोक्सीमेशंस उसमें पूछे गए थे वो हम देखेंगे। ये मेमोरी बेस्ड है और अगले आने वाली जो एग्ज़ाम्स है एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसके पहले अगर आपने ये अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख कर जाइए, और अगर कुछ ट्रिक्स अगर आपको पता ना हो तो पता कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको जो लगातार अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ये मैंने सब शिफ्ट्स का मतलब एक मेमोरी बेस्ड बनाया है। मैं जो शिफ्ट में था उसमें से जो मुझे याद थे वो मैंने डाले, और बाकी के मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया जिन्होंने दूसरी शिफ्ट्स में दिए हुए थे पेपर्स उन्होंने। तो ये देखिए, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आप वो देख सकते हैं। तो माइनस और प्लस ये दोनों साइंस अगर आप देखते हैं तो फिर जो दोनों वैल्यूज़ आती है एक्स की या वाई की वो दोनों प्लस में आती है। ओके, और ये 7 एडिशन आनी चाहिए और ये 2 इस 6 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 12 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं। तो 4 और 3 इनका मल्टीप्लिकेशन 12 होता है और एडिशन 7 होता है। तो बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे 4 और यहाँ पर 3, और ये 2 जो कोएफिशिएंट से उससे हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम उसी तरह, ये 17 और 18 इंटू 4 72, ये मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और ये एडिशन। तो 8 और 9 इनका मल्टीप्लिकेशन 72 होता है और एडिशन 17। तो बड़ा पहले लिखेंगे हम 9 और 8, और माइनस और प्लस है तो दोनों साइंस पॉजिटिव आएंगे, डिवाइडेड बाय 4। और हमें यहाँ पर क्या करना है, कंपैरिजन। तो ये 2 से इन्हें कट करने के बजाय हम ये 2 से इस 4 को कट कर देते हैं, ये 2। तो ये 4 और 3 तो सेम रहेंगे, ये 8 का 4 हो जाएगा, ये 9 का 4.5 हो जाएगा। तो 3 क्या है, छोटा है दोनों से, 4 क्या है, 1 से छोटा है, 1 से बराबर है। ओके, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। अभी अगला वाला देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर जिसको पूरे कॉन्सेप्ट्स पता है उसके लिए आसान है। x² इज इक्वल टू 121, तो 121 तो 11 का स्क्वायर होता है, ये तो सबको पता है। पर x² इज इक्वल टू 121, तो 11 सिर्फ 11 नहीं, तो ये प्लस माइनस 11 आएगा, क्योंकि माइनस 11 का भी स्क्वायर जो होता है वो 121 ही होता है। और x² इज इक्वल टू 121 है तो ये प्लस माइनस 11 आएगा। पर एक बात नोट कीजिए कि यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू अगर √121 लिखा होता तो इसका आंसर सिर्फ प्लस 11 आता, दोनों वैल्यूज़ प्लस 11 ही आती। ओके, क्योंकि रूट का साइन अगर हो तो फिर सिर्फ पॉजिटिव वाली ही वैल्यू लेनी पड़ती है, क्योंकि रूट में माइनस कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, और यहाँ पर y प्लस 11 स्क्वायर मतलब माइनस 11 आएगा। ये अगर आपने ये आपको फॉर्मूला पता होगा a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का, तो उससे भी आप कर सकते हैं। यह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 121 इज इक्वल टू 0। तो 121 मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और 22 एडिशन, तो ऐसे दो नंबर मिलते हैं हमें 11 11, और प्लस प्लस है तो 11 11 ही आएगा। तो फिर
माइनस ग्यारह सेम है और प्लस ग्यारह इससे बड़ा है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, और ये एकदम इजी लेवल का है। प्लस प्लस माइनस प्लस है तो पाँच इंटू चार बीस होते और पाँच और चार नौ, और यहाँ पर भी प्लस प्लस ही आएंगे, चार इंटू तीन बारह और चार और तीन सात, तो पाँच दोनों से बड़ा है, चार एक से बड़ा है तीन से और चार के बराबर है, तो फिर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ये इसका सही जवाब आएगा। अब ये वाला देखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 125 का ये रेस टू वन बाई थ्री, मतलब ये रूट लिखा गया है, और रूट जब लेते हैं हम, मतलब क्यूब रूट वन बाई थ्री मतलब क्यूब रूट होता है, और क्यूब रूट सिर्फ प्लस में ही आता है क्योंकि यहाँ पर प्लस की वैल्यू, अगर 100 माइनस 125 का अगर आपको क्यूब रूट निकालना होता तो फिर ये माइनस फाइव हुआ था, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है हमें, तो इसलिए सिर्फ प्लस वाली ही साइन हम लेंगे, इज इक्वल टू 30, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस फाइव, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 आएगा ये, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव आएगा, और यहाँ पर वाई इज इक्वल टू ये रूट का साइन है, और रूट इसका फोर्थ रूट लेना है, तो फिर ये अंडर रूट ये 25 इंटू 25 हो जाएगा फोर रूट, तो ये अगर कट करेंगे तो ये पाँच आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, पाँच, आप करके भी देख लो, पाँच इंटू पाँच इंटू पाँच इंटू पाँच मीन्स फाइव इज टू फोर मीन्स 125 होते हैं, पाँच का क्यूब 125 इंटू पाँच 625, तो ये सिर्फ प्लस फाइव आएगा, तो माइनस फाइव प्लस फाइव और ये प्लस फाइव, तो कंपैरिजन करेंगे तो माइनस फाइव छोटा आएगा प्लस फाइव बराबर आएगा, तो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, ये इसका आंसर आएगा। और यहाँ पर आगे एक माइनस माइनस, तो क्या आएंगे साइन, प्लस और एक आएगा माइनस, और ये पंद्रह आएगा ये 34, ये दो यहाँ पर डिवाइड कर दो, और दो से इन्हें डिवाइड भी करना है, तो फिर दो नंबर्स हमें ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 34 आना चाहिए, और एक प्लस और एक माइनस है, इसलिए इन दोनों का एडिशन नहीं बल्कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 15 आना चाहिए, तो 17 और 2 ऐसे नंबर्स है, 17 इंटू टू 34, और इन दोनों का डिफरेंस 15 आएगा। ये सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं, 6 वीडियोस है उसमें सब ये कवर किया हुआ है, और यहाँ पर दोनों प्लस साइन है तो फिर इसलिए ये दोनों माइनस आएंगे, और ये 16 और ये 15 चौक 60 डिवाइडेड बाय 4, तो 10 इंटू 6 60 और 10 और 6 16, ये 10 और ये 6, और ये अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 17 को, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट में आएगा, इसलिए हम इन 2 को इस 2 से कट कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है, हमें वैल्यूज़ एकदम एग्जैक्ट निकालनी चाहिए ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है, तो फिर ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये तो एज इट इज़ रहेगा, और ये माइनस फाइव और ये माइनस थ्री आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 17 तो सबसे बड़ा ही है इनमें, और माइनस दो जो होता है वो माइनस तीन और माइनस पाँच से बड़ा होता है, क्योंकि माइनस के साइन हो तो जो बड़ा है वो छोटा होता है, छोटा बड़ा होता है,
तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन y। और ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये 31 × 7 अगर हम कर देते तो क्या आएगा, 31 × 7 माइनस 36 × 2 72 अपॉन ये वाली स्टेप हमने पहले ली थी, तो यहाँ पर हम ये वाली स्टेप पे ले लेंगे डिवाइड करने के लिए इससे। तो ये 7 × 5 = 35 माइनस 3 × 2 = 6, तो ये आगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। 31 × 7 अगर 31 का पाड़ा नहीं आता है तो फिर 30 × 7 कर दीजिए, यह आ जाएगा 210 और 7 × 1 = 7 तो 217 माइनस 72। तो 217 में से अगर हम 72 को माइनस करेंगे तो 7 × 2 = 5 और 21 में से 7 गए तो 14, 145/29 और इनका कट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 5। ये क्या मिलेगी, ये x की वैल्यू मिलेगी, x बराबर 5 आ गया है। और ये इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, ये हो जाएगा 15 इसमें से घटा दोगे तो 21, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, मतलब y की वैल्यू हमें मिल गई 3। तो ये 5 इससे बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y, ये इसका सही जवाब आएगा। अब ये देखिए, एक माइनस है एक प्लस है, तो मींस क्या आएगा, दोनों प्लस प्लस आएंगे। और ये यहाँ पर क्या है, माइनस 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 आएगा क्योंकि दोनों प्लस है, तो यहाँ पर क्या हमें कुछ भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत है नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन y। पर फिर भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर 9 आना चाहिए, यहाँ पर 8 आना चाहिए, एडिशन 9 आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 8 आनी चाहिए, तो मतलब 8 और 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 17 एडिशन आनी चाहिए, 66 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, 11 और 6 ये दो नंबर्स मिलेंगे हमको और इनको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। पर यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, यहाँ पर भी 2 से, तो ये कट कर दीजिए। ओके, यहाँ पर ये प्लस प्लस है तो क्या आएगा, माइनस माइनस, प्लस प्लस है माइनस माइनस, यहाँ पर ये 27 है 72 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 और 9 = 72, पर 8 और 9 = 17 होते हैं, 27 है तो बड़ा नंबर ढूंढेंगे एक, 24 × 3 = 72 होता है, और 24 और 3 = 27, तो 24 और 3 ये इसके फैक्टर आ गए, और यहाँ पर 15 और ये × 2 करेंगे तो 56 हो जाएगा, ये तो 8 और 7 आसानी से हो रहा है, और इसको डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, तो आएगा ये -4 और -3.5। ओके, और -3 जो है वो इससे बड़ा है पर -24 इन दोनों से छोटा है, तो यहाँ पर नो रिलेशन इस्टेब्लिश्ड और x इज इक्वल टू y, ये जो ऑप्शन होता है वो सही है। ओके, और यहाँ पर एक हिंट है कि इन दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर इन दोनों के बीच में आता है, या फिर इन दोनों में से कोई भी नंबर अगर इन दोनों के बीच में आता है तो फिर हमेशा नो रिलेशन वाला केस होता है। अब ये 3 को छोड़ दो, मतलब ये 3 जो है वो इन दोनों के बीच में नहीं आता, 24 जो है वो इन दोनों के बीच में नहीं आता, पर 4 जो है वो 3 और 24 इनके बीच में आता है, और 3.5 भी इनके बीच में ही आता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अगर आप करना भी चाहो तो -3 बड़ा,
इन दोनों से, और माइनस 24 छोटा इन दोनों से, नो रिलेशन। और अब हम देखते हैं ये कुछ अप्रोक्सीमेशन के प्रॉब्लम जो कि कुछ शिप ने पूछे गए थे। मैं जिस शिप में था उस शिप ने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये यही पूछा गया था, अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज नहीं पूछी गई थी। तो ये यहाँ पर जो डेसिमल का साइन होता है पॉइंट का, उसके बाद में जो नंबर्स होते हैं वो अगर करीब जिसके करीब है वो आपको काउंट करने पड़ते हैं। यहाँ पर ये 251 इंटू ये 8 पकड़ लीजिए और यहाँ पर डिवाइड बाय 20। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2008 आ जाएगा। 250 इंटू 8 तो 2000 होते, 2008 डिवाइडेड बाय 20, और ये 80 मान लीजिए और ये 80 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये 8 को तो छोड़ ही दीजिए, ये आ जाएगा 100 माइनस 80, तो इसका सही जवाब होगा 20। ओके, वैसे मैंने वैदिक मैथ्स के ऊपर एक वीडियो बना के रखा हुआ है और वो डाला हुआ है, इसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस मैंने बताए हुए है। यहाँ पर ये रूट का साइन है, तो 676 जो है वो 26 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 26 पकड़ लीजिए और ये 12 ये 13 आ जाएगा इंटू 17, तो 2 इंटू 17 आ जाएगा 34 प्लस x इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 में से ये माइनस होगा, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, 110। यहाँ पर हम देखें तो 800, और 800 डिवाइड बाय ये 24.98 मीन्स 25 पकड़ लीजिए, और ये 25 समय पहले नहीं लिखना है क्योंकि ऑफ दिया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू वी बॉटमस रूल डिवीजन से पहले हमें ऑफ वाला के सॉल्व करना पड़ता है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और ये 120 पकड़ लीजिए, 320 पकड़ लीजिए, तो 320 इंटू 1/4, ये फ्रैक्शन वैल्यूज मैंने परसेंटेज के जो प्रॉब्लम्स डाले हुए परसेंटेज के वीडियोस में बताए, तो ये आ जाएगा 80। कितना आसान था, नहीं तो फिर आप ये सॉल्व करते बैठते तो मुश्किल में पड़ जाते और वक्त आपको ज़्यादा लगता, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 10। ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 10 बार कटेगा। अब ये अगला वाला देखिए, ये 60% ऑफ 350, तो 100 में से 60, तो 300 में से आ जाएगा 180, और 50 में से 30, तो ये 210 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 20.94, तो 21 पकड़ लीजिए, और ये इनटू ए, तो इसलिए ये नीचे आ जाएगा 2.5 पकड़ लीजिए इसे, तो ये आ जाएगा 10, और 10/2.5 इज इक्वल टू 4। और ये देखिए, ये 55 इंटू 30 ये डिवाइड वाला हम पे ले लेते हैं इससे, और इज इक्वल टू ये 200 इंटू 3 माइनस x, तो ये आ जाएगा 10, तो ये 550 इज इक्वल टू 600 माइनस x, तो ये x इधर चला जाएगा, इसमें से ये कट कर देंगे तो 50 आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 50। ओके, तो ये थे SBI PO के प्रीलिम्स में पूछे हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर अप्रोक्सीमेशन के मेमोरी बेस्ड प्रश्न, जो कि अगले आने वाली जो एग्ज़ाम है SBI क्लर्क की या फिर इसके बाद जो SBI PO का प्रीलिम आएगा उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि IBPS वाले तो SBI को ही फॉलो करते हैं। मैं जो
इसके बाद नंबर सीरीज के ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा, और रीजनिंग के जो प्रॉब्लम्स है, सिलॉजिज्म वगैरह या फिर पजल्स, वो भी डालने वाला हूँ जो SBI PO के प्रीलिम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी शार्प 360 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय।